नमस्ते, सुलभ सवाल देख रहे हैं आप। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। इसलिए देखिए, मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी रैलियों और अपनी सभाओं में मास्क जरूर पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां ठाणे कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को आदेश जारी कर मनसुख केस के सारे दस्तावेज एनआईए को देने के लिए कहा है। ठाणे कोर्ट ने जल्द से जल्द सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने के लिए कहा है। मनसुख केस में जो जानकारी मिल रही है कि एटीएस ने दोनों आरोपियों को एनआईए को सौंप दिया है। जो दो आरोपी, क्योंकि लगातार एटीएस जो है इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी, उसके बाद जब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब आगे इसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए, क्योंकि दोनों ही केस एक से ही जुड़े हुए थे और इसीलिए एनआईए को ही सौंपने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई, जिसके बाद दो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे एटीएस की तरफ से, उन्हें फिलहाल एनआईए के हवाले कर दिया गया है। तो अब आगे की जांच जो है वो एनआईए करने वाली है। जो दस्तावेज है, जो फाइल्स है, वो भी एटीएस अब जल्द ही एनआईए को सौंपेगी, जिसके बाद एनआईए अब आगे इस पर जांच करने वाली है। तो मनसुख केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एटीएस ने आरोपी को एनआईए को सौंप दिया है। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी, क्या सारे दस्तावेज भी सौंप दिए गए हैं? जी अर्पित, आपको बताना चाहिए कि एनआईए ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये अब जो एपीआई सस्पेंडेड थे मुंबई पुलिस के सचिन वाजे, उनके ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत वो धाराएं लगा दी हैं। आतंकवादी यानी टेरर एक्ट होता है, यानी कि अब सचिन वाजे को बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से उसने पूरा प्लान किया था, एक संदिग्ध गाड़ी में एक्सक्लूसिव रखे थे, उसको लेकर एनआईए जांच करी थी। और कल ही एनआईए ने कोर्ट में ये कंप्लेन रखी थी कि एटीएस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही और दस्तावेज उन्हें नहीं दे रही है, जिसके बाद थाने कोर्ट ने आज एटीएस को फटकार लगाते हुए ऑर्डर दिया कि सारे दस्तावेज अब एनआईए को सौंप दी जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जी हैं। सर, सचिन वाजे का पूरा मामला इतना बढ़ता गया कि अब उसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाना पड़ा। ऐसा है कि ठाकरे सरकार खुद को बचाने के लिए सचिन वाजे को बचा रही थी, बीच में पुलिस, क्राइम ब्रांच, एटीएस को डालने का प्रयास कर रही थी। अभी सब क्लेरिटी आ गई है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि न कोर्ट ने सिर्फ एनआईए में विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन एनआईए अभी फिनाटल एक्टिविटीज, क्योंकि मूल मामला वसूली का है, तो उसके ऊपर भी अभी गति से एक दो दिन में ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। सर, आप ईडी के अधिकारियों से मिले हैं, बाकायदा आपने एक चिट्ठी भी लिखी और आपने कहा कि करोड़ों रुपए का ये पूरा घपला है, करोड़ों रुपए की वसूली होती है। क्या चिट्ठी लिखी और क्या इंक्वायरी की मांग की आपने ईडी से? मेरी आज बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। लगभग 1000 करोड़ के वसूली सचिन वाजे के थ्रू हुई है, उसमें से करोड़ों रुपया उसके खुद के खाते में गया है, प्रॉपर्टीज में गया है, बेनामी कंपनियां उन्होंने खुली है, बेनामी प्रॉपर्टी है। और ये सब के कारण जो ईडी ने एक दो दिन में इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए, मेरा आग्रह है और मुझे विश्वास है शुरू होगा। मेनली कलेक्शन वादे करता था, लेकिन बेनिफिशियरी लाभार्थी जो है, वो लाभार्थी यानी किस किस के पास पैसा जाता था, अनिल देशमुख, अनिल परब, परमवीर सिंह भी इसमें इन्वॉल्व है और मुझे विश्वास है इन सबका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, इस पूरे मामले में शरद पवार ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, लेकिन आप लोग की बाबा ये कहने कि इतने बड़े मुद्दे पर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, उद्धव ठाकरे एक बार भी सामने नहीं आए, नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। मैं क्षमा चाहता हूँ आपके, इसको राजनीतिक भूचाल कैसे कहेंगे? करोड़ों रुपए की वसूली और कौन से किस किस प्रकार से कर रहे थे भी, आप दो दिन के बाद में जो तब बाहर आएगा, ये तो लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ थी। ठाकरे सरकार एक माफिया सरकार बन गई है। तो आप देख रहे हो कि गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर के खिलाफ और पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के खिलाफ आरोप लगाते हैं, रश्मि शुक्ला और उसके जो टेलीफोन कन्वर्सेशन देवेंद्र फडणवीस ने रखे, तो ये तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें सड़क पर आना पड़ा है। सर, आपको लगता है कि सरकार किसी का रहनी चाहिए, इतना बड़ा आरोप लग रहा है? हमारा बहुत स्पष्ट पॉइंट है कि जो घोटाले हुए, जो टेरर पैदा की गई, जिस प्रकार से वसूली, गैंग ठाकरे, उसका इन्वेस्टिगेशन हो,
और इन्वेस्टिगेशन में जो जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जो बता रहे थे कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन वजे के ऊपर यूएपी एक्ट लग चुका है, यानी उनकी मुश्किलें बेहद बढ़ चुकी हैं। कैबिनेट मीटिंग चल रही है दूसरी तरफ, तो ये अर्पिता ये इंटरेस्टिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग में जो मंत्री है वो डिसीजन क्या लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो देखना होगा। बिल्कुल, और देखिए अब जो दो आरोपी एटीएस ने जो जांच की थी उसके बाद दो आरोपी पकड़े थे वो फिलहाल एनआईए को सौंप दिए गए हैं, जो दस्तावेज हैं वो भी सौंपे गए हैं, और जो जानकारी मिल रही है बाकी जो है देखिए कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही एनआईए जो है वो इस पर जांच भी तेज कर देगी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दोनों ही मामले एक हैं, तो ऐसे में एनआईए को क्यों नहीं जांच सौंपी जा रही है। बार बार एनआईए की तरफ से कहा जा रहा था, बावजूद इसके ना कोई दस्तावेज एनआईए को सौंपी जा रही थी इस पूरे मामले में, ना कोई जानकारी दी जा रही थी, सहयोग ना होने के चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां ठाणे कोर्ट ने दरअसल ये कहा कि अब इसकी जांच एनआईए करेगी। चिट्ठी बम पर जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख ने एक बार फिर मुलाकात की। खास बात यह कि इससे पहले अनिल देशमुख से नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले मिले और इस दौरान कई दूसरे पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जो जानकारी मिल रही है वो ये दरअसल कि चिट्ठी बम पर जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख ने एक बार फिर मुलाकात की है। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अभिषेक मुख्यमंत्री के साथ ये गृहमंत्री की मुलाकात किस लिहाज से खास? देखिए, रविवार से जब से पूरा मामला सामने आया था अर्पिता, उसके बाद से लगातार अनिल देशमुख के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात कर रहे हैं या इस्तीफा हो सकता है नहीं हो सकता। इन सब अटकलों पे फिलहाल तुरंत के लिए तो विराम लग गया है, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री, वो महाराष्ट्र की कैबिनेट में हिस्सा लेने के लिए मंत्रालय पहुंच चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये निकाला जाए कि फिलहाल अभी कुछ कार्रवाई अनिल देशमुख पर तुरंत फिलहाल नहीं होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी सरकार को लपेटे में लिया है, अब इस मीटिंग के जरिए अनिल देशमुख का पूरा पक्ष सुना जाएगा। अपना पक्ष बताने के लिए अनिल देशमुख मंत्रालय कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे हैं, वहां पर वो बताएंगे कि दरअसल उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है, और उसके बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी कि आगे सरकार इस पूरे मामले को कैसे लेकर जाए। क्योंकि बीजेपी में जिस तरीके से एक के बाद एक देवेंद्र फडणवीस हों या फिर अभी किरीट सोमैया जिस तरीके से ईडी से होकर आए, इससे साफ है कि बीजेपी हर वो कड़ी जोड़ करके सरकार को कहीं ना कहीं संकट में डालना चाहती है। सरकार इसको सियासी रंग देने के लिहाज से कोशिश ये कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लोगों के बीच ये बताया जाए कि बीजेपी जानबूझ के सरकार को परेशान कर रही है और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में सफाई देने के लिए अनिल देशमुख अभी पहुंचे हैं। अब कैबिनेट मीटिंग के बाद तमाम सारे उन मुद्दों पर डिस्कशन होगा और उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा कि कल कोर्ट में जाना हो या फिर सरकार का पक्ष किसी लीगल लेवल पे देना हो, तो क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं इस पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता आज राज्यपाल से मिले और उनसे दखल देने की मांग की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की चुप्पी चिंताजनक है, जबकि शरद पवार अपने मंत्री को बचाने में लगे हैं। फडणवीस ने कांग्रेस पर वसूली का हिस्सा लेने का भी आरोप लगाया। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने दो प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है, और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है
हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए, इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है।